नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। चलिए आज बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत की नई मास फिल्म दरबार के बारे में, जो कि रजनीकांत के डाई हार्ड फैंस को सम्मोहित भले ही कर ले, लेकिन अच्छे सिनेमा के फैंस को ज्यादा रास नहीं आएगी। रजनीकांत की आखिरी उम्दा फिल्म 2018 में आई काला थी। अम्बेडकरवादी और नास्तिक निर्देशक पारजीत ने बड़ी खूबसूरती के साथ अन्याय और सामाजिक ऊंच नीच की मुखालफत करने वाला दलित नायक गढ़ा था और काला कुर्ता लुंगी पहनकर रजनीकांत ने इस दलित नायक को एक यथार्थवादी मसाला फिल्म में बेहद प्रभावशाली अंदाज में अभिनीत किया था। काला से पहले पारजीत रजनीकांत को लेकर कबाली नाम की एक और गैंगस्टर फिल्म बना चुके थे, जो कि रजनीकांत के सुपर स्टारडम पर न्यौछावर होकर साधारण फिल्म बनकर रह गई थी। ये गौर करने वाली बात है कि यदा कदा ही दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक रजनीकांत को बतौर एक्टर लेकर फिल्म में बनाते हैं, ज्यादातर वक्त उनके सुपर स्टारडम को ही बनाया जाता रहा है। इसीलिए पारंजीत और कार्तिक सुबाराज जैसे हटकर फिल्म बनाने वाले नई पीढ़ी के दक्षिण भारतीय निर्देशक भी कवाली और पेटा जैसी साधारण फिल्म बना देते हैं। कार्तिक सुबाराज ने पिज़्ज़ा और जिगर ठंडा जैसी दिमाग की खपच्चियां उड़ा देने वाली फिल्म बनाई है, लेकिन रजनीकांत के साथ पेटा बनाई तो वो भी थलाइवा के सुपरस्टारडम, उनकी सिग्नेचर स्टाइल और स्वैग के आगे नतमस्तक ही हो गई। कहा भी जाता है कि रजनीकांत की पिछले 12-13 सालों में आई ज्यादातर फिल्मों को रजनीकांत के एक फैन द्वारा रजनीकांत के बाकी फैंस के लिए बनाया जाता है। रजनीकांत और उनकी हालिया फिल्मों पर कुछ छोटे मोटे आर्टिकल्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता चलूंगा, अगर दिल करे तो एक नजर फेर लीजिएगा। निर्देशक एआर मुरुगदास भी एक फैन बनकर ही थलाइवा को दरबार में पेश करते हैं और उनकी सुपर स्टारडम, उनकी सिग्नेचर स्टाइल और स्वैग पर न्यौछावर होकर एक बासी कॉप ड्रामा कहानी को बेवजह 3.25 घंटे का बेहद लंबा विस्तार देते हैं। हिंदी फिल्मों के दर्शक एआर मुरुगदास को गजनी और हॉलीडे जैसी दिलचस्प फिल्मों के कुशल निर्देशक के तौर पर जानते हैं, इसलिए उम्मीद थी कि वे अपनी नई फिल्म दरबार में थलाइवा को उनकी चिरपरिचित इमेज में पेश करने के बावजूद एक बांधकर रखने वाली दिलचस्प कहानी जरूर कहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से दरबार की ना सिर्फ कहानी बल्कि उसकी पटकथा भी बेहद नीरस है और फॉर्म में होने के बावजूद रजनीकांत भी केवल कुछ छुटपुट दृश्यों में ही समा बांध पाते हैं। फिल्म की कहानी इतनी सी है कि मुंबई नगरी में एक सुपर कॉप है जो खुद को बैड कॉप कहता है और धड़ाधड़ एनकाउंटर करने से लेकर ह्यूमन राइट वॉयलेशंस तक करने में पीछे नहीं रहता है। ये फिल्म तकरीबन 2 घंटे लंबा फ्लैशबैक लेकर इसकी वजह जरूर बताती है, लेकिन पुलिस बर्बरता के इस दौर में इस तरह की फिल्में थिएटर में देखना वैसे ही आपको अनकंफर्टेबल कर देने के लिए काफी होता है। खैर, इसके बाद इतनी और कहानी बचती है कि एक खूंखार विलेन भी कहानी में आता है, जिस तक पहुंचने के लिए रजनीकांत को बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। साथ ही बाप बेटी का एक इमोशनल ट्रैक भी है, जिसमें बेटी अपनी शादी से पहले बाप की शादी करवाना चाहती है। ये इमोशनल ट्रैक कोई खास असर नहीं छोड़ पाता, हालांकि बेटी के कम संवादों वाले रोल में भी निवेथा थॉमस प्रभावित करती हैं। रजनीकांत की नायिका बनी नयनतारा बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लगती हैं, लेकिन रजनीकांत की ज्यादातर फिल्मों में जिस तरह नायिकाओं की भूमिका गौड़ होती है, वैसे ही दरबार में भी नयनतारा केवल उनके साथ नाचने गाने, रोमांस करने और बुरे वक्त में साथ खड़े रहने के लिए ही नजर आती हैं। कुछ लोग कह जरूर सकते हैं कि उनके और रजनीकांत के किरदारों के एज डिफरेंस पर बात कर दरबार ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि एंड में इस मुद्दे का कोई वाजिब समाधान तक देना फिल्म भूल जाती है। दरबार में जबरन ठूसे गाने भी काफी हैं और कोई भी दिल लुभा नहीं पाता है। हिंदी डब फिल्म के संवाद भी सपाट हैं और कुछ जगह पर इस कदर हास्यास्पद हो जाते हैं कि थलाइवा खुद को सख्त लौंडा तक बोल देते हैं। वहीं बाप बेटी मिलकर नायिका को पटाना है जैसे सस्ते शब्दों का बार बार उपयोग करते हैं। फिल्म में प्रतीक बब्बर से जुड़ा एक बहुत लंबा प्लॉट भी है, जो कि बिल्कुल भी बुद्धिमान लेखन का नतीजा नहीं है, लेकिन बेहद लंबा वक्त लेकर धीरे धीरे ऐसा खोला गया है जैसे क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों के रहस्य खोलते हैं। हालांकि मुरुगदास की स्टाइल की झलक आपको कुछ हाई कॉन्सेप्ट्स में जरूर मिलती है, जैसे डिप्टी सीएम को मूर्ख बनाने वाला और पुलिस की बाउंटी देने वाला, लेकिन बेमतलब की बेहद लंबी फिल्म में ऐसे 2-4 दिलचस्प आइडियाज कोई खास रवानगी नहीं पैदा कर पाते। दरबार के एक्शन दृश्यों में भी कुछ खास दम नहीं है,
पेटा में फिर भी कुछ एक्शन दृश्य दर्शनीय थे और रजनीकांत का स्वैग, उनका स्टाइल उन एक्शन दृश्यों को दिलचस्प बना गया था। लेकिन दरबार में रजनीकांत की एंट्री वाले एक्शन सीन से लेकर क्लाइमेक्स वाला एक्शन दृश्य तक फीका ही साबित होता है। और क्लाइमेक्स से याद आया, दरबार के मुख्य खलनायक सुनील शेट्टी स्क्रीन पर प्रभावी जरूर नजर आते हैं, लेकिन उनके किरदार में कोई डेप्थ नहीं है, जिस वजह से वे भी रजनीकांत के सामने एक फीके विलेन साबित होते हैं। उनकी और रजनीकांत की क्लाइमेक्स वाली फाइट भी हद फीकी है और एक बेहद लंबी फिल्म में ऐसा ठंडा क्लाइमेक्स थलाइवा के हार्डकोर फैंस तक को निराश कर सकता है। सोचने वाली बात है कि जब मुर्गदास, गजनी और हॉलीडे में आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स के होने के बावजूद मजबूत विलेन पेश करने में सफल रहे थे, तो दरबार जैसी बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में ऐसा कोई विलेन हमारी नजर क्यों नहीं हुआ। वजह सिर्फ एक ही है, थलाइवा को आदमकद थलाइवा की तरह पेश करने का दबाव अच्छे अच्छे निर्देशकों को साधारण बना रहा है। मेरी तरफ से बेहद निराश करने वाली आउटडेटेड दरबार को केवल 1.5 स्टार। बेहतर होगा कि साउथ के सयाने निर्देशक 70 साल के होने जा रहे रजनीकांत को बतौर एक्टर पेश करना वापस से शुरू कर दें, ताकि काला जैसी फिल्में हमें लगातार मिल सके और हम रजनीकांत के अभिनय की जी भर कर तारीफ कर सकें। धन्यवाद।